वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी, देखिए जो परीक्षा होने वाली है बिहार एस टेट 2024 के बारे में। ठीक है कि इसकी जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलिंग करने की, अभी कौन सी दी गई है, ये गई है आपकी 2 जनवरी। तो अगर अभी तक आप अलर्ट मोड में नहीं है तो क्या करें, आप तुरंत से तुरंत अलर्ट मोड में रहें, जाके इसका आप नोटिफिकेशन देख लें। ठीक है, और वहां से जाके अपना जो फॉर्म है 2 तारीख के पहले यहाँ पर इसको आप फिल कर लीजिए। ठीक है, साइकोलॉजी आपका विषय है मनोविज्ञान, तो इसमें आपने जो है आई होप आपने पीजी किया होगा, प्लस आपका यहाँ पर बीएड भी होगा। ठीक है, पीजी बीएड वाले जो है इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी परीक्षा यहाँ पर इसको दे सकते हैं, एंड आगे जाके एलिजिबल हो जाएगी किसके लिए, यहाँ पे आपके पीजीटी बीपीएससी के लिए आगे जाकर ये एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और लोग एलिजिबल है, यहाँ पर एलिजिबल एक और लोग है जिन्होंने क्या किया है, एमएड भी किया होता है। ठीक है, वो एस्टेट के लिए वो एलिजिबल है, लेकिन आगे जाके जो है पीजीटी में उनका यहाँ पर नो हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर जाके यहाँ पे आगे पीजीटी की बीपीएससी की परीक्षा यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। केवल कौन दे पाएगा, जो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, पीजी बीएड एलिजिबल है एस्टेट के लिए। ठीक है, एस्टेट 2024 के लिए एलिजिबल है, और आगे जाकर ये पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक बात यहाँ पे आती है कि जो एमएड वाले यहाँ पर है, ठीक है, ये फिलहाल एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, फिलहाल एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बीपीएससी है, किस दिन कौन सा नोटिफिकेशन आ जाए, क्या चीज हो जाए, यहाँ पे ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, आज हो सकता है एमएड वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है 1 साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 3 साल बाद हो जाए, या कभी भी आजीवन कभी भी सफल ना हो। ठीक है, संभावना बहुत कम है कि इनको भी लिया जाएगा, संभावना इसकी बहुत ही न्यून है, लेकिन ये आपका बीपीएससी है ना, कुछ भी ऐसा कोई भी निर्णय कभी भी कुछ भी आ सकता है ना, जैसे आप जानते हैं पॉलिसीज वगैरह चेंज होती है, काफी सारी चीजें मैटर करती है। तो आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में आपका एमएड जो है ये यहाँ पे बीपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, फिलहाल तक तो कोई देखा नहीं गया ऐसा, आप जाके आपको दिक्कत हो सकती है, आप करना चाहे कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे पीजीटी बीपीएससी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। हाँ, एस्टेट आप दे सकते हैं, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आगे जाके एमएड एलिजिबल करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए है पीजी से क्या हो, उसका पीजी से उसका मनोविज्ञान हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पे उनका जो है बीएड भी हुआ हो। ठीक है, ऐसे बच्चों को लेना चाहते हैं कहाँ पे, वो ऐसे बच्चों को लेना चाहते हैं वो 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, पीजीटी मनोविज्ञान के लिए वो 3.0 अगर आता है तो वहां पे वो ऐसे बच्चों को चाहेंगे जहाँ जिनका क्या हो, जिनका पीजी और बीएड हो मनोविज्ञान से। ठीक है, मतलब पीजी मनोविज्ञान से और बीएड हो उनका यहाँ पर। ठीक है, एमएड वालों के लिए फिलहाल देखिए आज की तारीख में, जब ये वीडियो बन रही है, जब ये सूचना है, तो आज की तारीख में एमएड वालों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की भी एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप केवल एस्टेट दे सकते हैं पेपर 2। अब सवाल वो है कि एस्टेट भी आप देंगे क्यों, जैसे कि पहले बताया है वीडियोस में, है ना, तो आप एस्टेट देना चाहे ना देना चाहे वो आपके ऊपर है ना। हो सकता है 10 साल बाद 15 साल बाद कभी भविष्य में कर दें, लेकिन वो सिर्फ संभावना है, बाकी आपको जो फैसला है वो अपने हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखें, यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 2 जनवरी, इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें। आज है 27 तारीख, 27 आपके पास 28 29 30 31 एक और दो है ना, सर्वर वगैरह का इशू अगर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, आपके पास लगभग 7 दिन बचे हैं, सर्वर वगैरह का इशू हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर आप उसको ध्यान रखें। ठीक है, इसी के साथ देखिए बात करेंगे आगे हम आपका सिलेबस का। देखिए एस्टेट का ऐसा कुछ बड़ा विशेष सिलेबस दिया नहीं है इस बार, जैसा कि लास्ट टाइम इन्होंने फुल प्रूफ सिलेबस दिया हुआ था। ठीक है, एस्टेट के पेपर के लिए आपका इन्होंने लास्ट टाइम आपका सिलेबस दिया हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने सिलेबस नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि आपको जो अपने राज्य में बीए स्तर की पढ़ाई है, और बीए में कौन सी, बीए ऑनर्स स्तर की जो आपकी पढ़ाई है, ठीक है, उसको आपको करना होगा, इस बात को आप यहाँ पर आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, बीए ऑनर्स की स्तर की पढ़ाई आपको करनी होगी अपने एस्टेट को क्वालिफाई करने के लिए। अगेन 100 नंबर का पेपर होगा, 100 में से आपको मनोविज्ञान का होगा, साइकोलॉजी का होगा, एंड 50 जो होंगे आपके, 50 किसके होंगे, 50 होंगे आपके यहाँ पर उसके बारे में, जो आपका दूसरा पेपर होता है उसके होंगे यहाँ पर, साइकोलॉजी का आपका होगा। इन मिला के टोटल 150 में से 1 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होगा। 150 में से आपको कितने लाने होंगे, आपको 75 लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर आप दूसरी अन्य किसी कैटेगरी से हैं तो इससे कम में उसके अकॉर्डिंग वहां पर दिया हुआ था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। बात करें यहाँ पे दूसरे राज्य की, क्या कोई दूसरे राज्य का विद्यार्थी यहाँ एलिजिबल है, तो हाँ इसको दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी दे सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर, प्रोवाइडेड उन्होंने जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई हो। लेकिन वो काउंट किसके अंदर होंगे, काउंट होंगे वो यहाँ पर जनरल के अंदर ही। ठीक है, जनरल के अंदर ही काउंट होंगे, और जो देखिए अपीयरिंग वाले हैं वो भी यहाँ ना आए। ठीक है, अपीयरिंग वालों के लिए भी यहाँ पे कोई मौका नहीं है, कौन देगा इसको, जिसका ऑलरेडी डन होके रखा है। ठीक है, आपका रिजल्ट वेटिंग है, वो सब आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन पढ़ के, लेकिन जिनका यहाँ पर हो चुका है, पीजी कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, वो यहाँ पे 101% आपका यहाँ पे दे सकते हैं इस परीक्षा को। ठीक है, आपकी बिहार एस्टेट 2024। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है अपनी स्तर की, उसी के साथ साथ आपको तैयार रहना है। आप इसकी तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको क्या करना है, आगे जाके आपको पीजीटी मनोविज्ञान की परीक्षा देनी है। ठीक है,
पीजीटी मनोविज्ञान साइकोलॉजी कंप्लीटली बेस्ड होती है किसके ऊपर, आपकी एनसीईआरटी के ऊपर, फिलहाल तक तो बेस्ड रही है। आगे देखते हैं अगर वो कुछ नया सिलेबस वगैरह देते हैं, अपडेट करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो आपको एनसीईआरटी पे कंप्लीटली यहाँ पर फोकस करना है, आपके पीजीटी के लिए भी और आपके बिहार एस्टेट 2024 के लिए भी। प्लस आप जो एडवांस पॉइंट अपने मास्टर्स में पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं, या बीएड में आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, इंडस्ट्रियल एजुकेशनल, तो उस सबको भी वहां पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो है कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उसी के साथ देखिए ये चैनल कैसे हेल्प करेगा आपको। देखिए सारी चीजें आपको फ्री में करनी है, इस बात को आप ध्यान रखें, फ्री में करनी है आपको सारी चीजें। आपको देखिए एक बिहार पीजीटी करके, बिहार एस्टेट पीजीटी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उसको देखिए एक बार, वहां से आनंद लीजिए लेक्चर्स का। ठीक है, जाके उसको देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सभी वीडियोस देखिए, आपका एस्टेट तो आपका थोड़ा सा प्रिपेयर हो ही जाएगा, प्लस आपका पीजीटी भी काफी अच्छा खासा वहां से प्रिपेयर हो जाएगा 2024 के लिए। ठीक है, तो इतना करें, प्लेलिस्ट नीचे लिंक दी हुई है, या जाके भी आप सर्च करें बिहार एस्टेट पीजीटी प्लेलिस्ट, तो वहां से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस देखनी है स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको समझ में आएगा चीजें कैसी पढ़नी है, क्या पढ़नी है, हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है और आगे क्या क्या चीजें हमको करनी होंगी। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी एस्टेट की जर्नी में, पीजीटी की जर्नी में काफी मदद हो सकती है ऐसा लगता है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक भी करवाएं और उनको शेयर भी करें। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है। उसी के साथ आपको एक काम करना है, क्या वो काम करना है कि आप जो है आप इस टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, एक तो है आपका ये, ठीक है, और दूसरा है आपका कौन सा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेन चैनल है, और अभी जो न्यू क्रिएट हुआ है वो आपके लिए है, ये वाला साइको प्रोफेसर आपका यहाँ पर बिहार। ठीक है, इसको आप डायल इसको आप डालेंगे यहाँ पे सर्च बार में तो मिल जाएगा, नीचे इसका लिंक भी दिया हुआ है, लिंक पे जाकर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वहां से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अब ग्रुप में ज्वाइन क्यों होना है, ग्रुप में ज्वाइन इसलिए होना है क्योंकि इस चैनल के द्वारा जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगी आपके एस्टेट से संबंधित या आपसे पीजीटी से संबंधित, वो सभी चीजें कहाँ मिलेंगी, वो सभी चीजें आपको वहां पर ग्रुप के अंदर मिलेंगी। ठीक है, ग्रुप के अंदर आपको मिलेंगी वहां पे आने वाली वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस कौन सी है, कोई कोर्स वगैरह आ रहा है क्या, जो सब भी जानकारी वो वहां पे आपको मिलेगी, एंड जो भी आपका होगा इन्फॉर्मेशन, सूचना, जानकारी उससे संबंधित, वो सभी चीजें आपको वहां पर उस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। लिंक आपको यहाँ पर नीचे दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें एंड वहां पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे, तब तक के लिए धन्यवाद। 2 जनवरी तारीख है, इसको आप ध्यान रखें, मार्च में कह रहे हैं परीक्षा होने की संभावना है, तो उसको भी यहाँ पर आपको संज्ञान में रखते हुए अपनी तैयारी जो है उसको स्टार्ट रखना है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को यहाँ पर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस, है ना, हैप्पी न्यू ईयर जो भी है कैलेंडर के अनुसार, है ना, आम भाषा में कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो आप सभी को वो, और उसी के साथ साथ आप ट्राई करें कि न्यू ईयर के अंदर आप यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लें कि इस बार हमको पीजीटी में सीट हासिल करना ही है। ठीक है, और इसी मोटो के साथ, इसी इसके साथ आप चले, और मिलते हैं आपसे आने वाले अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।